हाय गाइस, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश एडीन और मैं हूँ आपके साथ जीनिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नया साल शुरू हो गया है और नए साल के स्टार्टिंग मंथ में ही लोहड़ी का फेस्टिवल जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसी फेस्टिवल के को लेके आज एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है, तो आइए मिलते हैं उनकी स्टार कास्ट से और जानते हैं उस सॉन्ग के बारे में। तो सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल। थैंक यू सो मच। और कैसा रहा 2020 ने? बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने अपना YouTube चैनल लॉन्च कर दिया, लोहड़ी का सॉन्ग रिलीज कर दिया, तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। काफ़ी कुछ छूटा भी, काफ़ी कुछ मिला भी। जी, लोहड़ी का फेस्टिवल जो है उससे बहुत मीठी मीठी यादें अपने बच्चों की जो है। लोहड़ी के सॉन्ग के बारे में अभी जब मैंने सोचना ही शुरू किया तो तभी ये फार्मर्स का एजिटेशन भी आ गया। और ये फेस्टिवल है ही फार्मर कम्युनिटी को डेडिकेटेड, ये हम सेलिब्रेट ही लोहड़ी उनके लिए करते हैं, हमारे अन्नदाताओं के लिए। तो जब ही ये सोच के साथ ये अन्नदाता भी आ गई, शामिल हो गई, तो लगा क्यों ना एक आर्टिस्ट आई कार्टिस्ट क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी मेरी कुछ क्रिएटिविटी से पे ट्रिब्यूट डेडिकेशन देने का जब मन में ख्याल आया। तो लोहड़ी का सॉन्ग कैसे बन गया, कैसे एग्जीक्यूट हुआ कुछ पता ही नहीं। तो मेन आपने बताया कि इंस्पिरेशन में हमें लगा था कि 2021 बहुत अच्छा लॉन्च हुआ, लेकिन ये प्रोसेस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सिंगर्स जो है सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरी सोच ये है कि जो ये लोहड़ी का सॉन्ग है ये है ही उनके लिए, तो दिस इज़ माई डेडिकेशन टू देम। और यही सोच रही हूँ, यही आशा करती हूँ कि लोहड़ी के इस पावन नाम में जितनी भी उनकी कठिनाइयाँ हैं, शंकाएँ, जो भी परेशानियाँ रही हैं, वह सब भस्म हो चुकी और लोहड़ी के अग्रभूत से उनकी भी जीवन की नई शुरुआत। देखिए, मैं पंजाब से नहीं हूँ, लखनऊ से हूँ। तो बचपन में मैंने लोहड़ी देखी हुई। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ स्कूल में जाकर, मेरा एक पंजाबी फ्रेंड था, सरदार था वो, तो उसके घर पे उसने मुझे इनवाइट किया कि मेरा एक फेस्टिवल होता है तुम आ जाओ, मकर संक्रांति होती है। तो मैं जब उसके घर गया तो मैंने देखा यहाँ तो माहौल इतना ज़बरदस्त बना हुआ है, इतने सारे लोग आए हुए हैं, ढोल वाले आए हुए हैं, डांस डांस हो रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त है। दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। मुझे लगा ये कि मतलब कुछ होली का इक्विवेलेंट है, मुझे ऐसा फील आया। तो उसके बाद से खैर मेरे जब मैं दिल्ली आया, मेरे पंजाबी दोस्त हैं, पंजाबी भी दोस्त हैं मेरे, नाम कहना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, लास्ट ईयर नहीं कर पाया, इस साल भी नहीं हो पाया, पर कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँगा सब कुछ, मेरे पंजाबी दोस्तों बड़ा मज़ा आता है। तो मैं एक छोटे शहर पानीपत से बिलोंग करती हूँ और मैं जॉइंट फैमिली, तो मेरी ताया, चाचा, बुआ, मासी सब उसी शहर में हैं। तो मेरी तो बहुत ही प्यारी मेमोरी यही है कि लोहड़ी वाली रात सब इकट्ठे हो जाते हैं और हम बॉनफायर के अराउंड गाते, नाचते, सुंदर मुंदरिये एज अ ग्रुप हम सारे कजन्स गा के अपने बड़ों से पैसे इकट्ठे करते, वो 10-10, 20-20 रुपए भी कितने प्राइसलेस होते थे उस टाइम पे, तो वो बहुत एक मीठी याद। अच्छा, आप लोगों ने एक साथ काम किया तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको इनकी क्वालिटी बताना है और मैम आपको इनकी क्वालिटी बताना। सो ऑफ आउट ऑफ द मेनी क्वालिटीज आर शाश्वत, वन आई थिंक दैट स्टैंड्स आउट इज कि बहुत एक ईजी गोइंग नेचर, ओपन टू आइडियाज़, वो बहुत आसानी रही काम करने में, कभी भी हेजिटेशन नहीं फील हुई, अपना कोई भी फीडबैक देने में या कि चलो किस तरीके से करें या ऐसे करें। तो नहीं तो आप सोचते हैं कि इतनी उनकी क्रिएटिविटी है और थोड़ा शायद ऑफेंड ही ना हो जाए आपका फीडबैक लेते हुए, बट इट्स ऑलवेज ओपन टू यू नो लिसनिंग टू माय आइडियाज एंड ट्वीकिंग माय आइडियाज। सो वो बहुत मुझे अच्छी लगी उनकी बात। मैं
इतनी सारी खूबियाँ हैं, मुझे लग रहा है एक बताऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एक सेंटेंस में कोशिश करूँगा, जितनी खूबसूरत ये हैं लिखती हैं उतनी खूबसूरत ये गाती भी हैं, उतना ही खूबसूरत ये डांस भी करती हैं, परफॉर्म भी करती हैं और उतनी ही खूबसूरत इंसान भी हैं। लगी दिया रह सता लोड़िया पुतने पता से दिया उससे तो भी मिठिया पुतने प्यारे दिया जान तो भी प्यारिया। लगी दिया रह सता लोड़िया पुतने पता से दिया उससे तो भी मिठिया। थैंक यू।